नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। चमत्कार को नमस्कार में आपका स्वागत है। व्यापार, बिजनेस, धंधा, कई नामों से हम अपने आजीविका के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे होते हैं उसको पुकारते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं करता है? बहुत मेहनत कर रहे हैं, समय पर आ रहे हैं, कस्टमर से प्यार से बोल रहे हैं, मगर बिजनेस मेरा ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा? आइए आज हम इसी विषय पर बताएंगे कि आपका बिजनेस क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा, और क्यों नहीं कर रहा तो कैसे करेगा। ध्यान रखिए, ये वीडियो मोटिवेशन की नहीं है कि आपको बताएं कैसे क्या करो, लेकिन अधिकतर जो आज की डेट में कारण देखने को मिल रहा है वो तीन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। नंबर एक, हम बिजनेस क्या कर रहे हैं, किन लोगों के लिए कर रहे हैं, कैसे क्षेत्र में कर रहे हैं, वहां के किस ग्रेड के लोग रहते हैं, हमारा बिजनेस का लेवल क्या है, किन लोगों के लिए, सबसे पहले यह तय करता है। दूसरी बात, आज बिजनेस करना बहुत ही, समझ जाइए कि एक शतरंज जैसा गेम हो गया है। आप बिजनेस करते हैं, आपकी क्वालिटी क्वांटिटी से लेकर सब कुछ, एक ब्रांड है, एक बढ़िया है, बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, उसके बाद भी आपका बिजनेस चलता है अचानक ठप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके तीन कारण है। तीन तीन का चलेगा, ऐसा बात समझ लो। या तो नंबर एक, आपकी दुकान बिजनेस चलता हुआ किसी की हाय लगना, यानी पूरी नकारात्मक ऊर्जा लगना, या कार्य क्षेत्र को बांध देना, या आप जो कार्य कर रहे हैं वहां के क्षेत्र यानी उस स्थल पर ऊर्जा का एकदम जीरो हो जाना। अब कह देंगे, गुरुजी ऊर्जा कैसे जीरो, शुरू शुरू में आए तो बढ़िया चल रही थी, फिर जीरो कैसे हो गई? यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, आप ए से जगह से आते, ए मतलब कहीं अन्य जगह से आते हैं, उस समय आपके कर्मानुसार, आपके माता पिता कर्मानुसार, आपके पूजा पाठ का, आपकी पत्नी की पूजा पाठ का जो गुड एनर्जी रहती आपके साथ आती, और जहां पे आप बैठते हैं 24 आवर्स, वहां नकारात्मक ऊर्जा जीरो पहले से है, और जब आप बैठते हैं 10-15 दिन 20 दिन 25 दिन महीने 2 महीने में, आपकी भी ऊर्जा को वो जो यहां पर पावर है नकारात्मक जो जीरो है, जो एकदम किसी भी प्रकार की ऊर्जा को जीरो कर देती है, वो आपकी भी ऊर्जा को वहां पे बैठने से धीरे धीरे सब गायब कर देती है। यानी जो आप काम अलग कर रहे थे वो काम यहां पे करने पे कुछ दिन तक का सही चलेगा, उसके बाद भी बैठ जाता है। तीसरा कारण क्या है कि समय के साथ ग्राहक के साथ हृदय से न जुड़ पाना, या ग्राहक को आप सही ढंग से मोटिवेट नहीं कर पा रहे, ये होता है। आप ध्यान से सुनो काम की बात। दर्द है बॉडी में, आपके रहता है बॉडी में दर्द, सर में दर्द, पेट में दर्द, दांत में दर्द, कान में दर्द, आगे दर्द, पीछे दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द, दर्द दर्द दर्द। अब आप हंस रहे हैं, मेरी बातें आपको मजाक लग रही है, हंसी, मैं यही चाहता था कि आप हंसे। तो दर्द कहने का मतलब, जब आपको दर्द होता, पेन होता है, तब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दवा दीजिए, पेन किलर, तुरंत आराम मिले, बर्दाश्त से बाहर, वो आपको दवा देता, आप खा लेते हैं, दर्द से आराम हो जाता है, दर्द खत्म, आपको आराम हो गया। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की ये दर्द किस कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ऐसा गड़बड़ हुआ मेरी बॉडी के अंदर कि ये दर्द हो रहा है। उसी कारण को आप जिस दिन खत्म कर देंगे, दर्द कभी नहीं होगा। यही बात समझाना चाहता हूं कि अगर आप बार 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 असफल हो रहे हैं,
तो सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्री से लेकर आप अपना भाग्य और कार्य क्षेत्र की जांच जरूर कराएं। आपके दुकान मकान बिजनेस, दुकान मकान ऑफिस नहीं है, आप चलते डोर टू डोर जाके काम करते, तब भी चेकअप कराना जरूरी है। किस तरीके चेक किया जाता है ध्यान रखिए। सबसे पहले आपका नाम, आपकी माता का नाम, गोत्र लिया जाता है। उसके बाद आपका दाहिने हाथ का हम लोग प्रिंट लेते हैं, फोटो खींच लो व्हाट्सएप से, मुझे भेज दो, ठीक है। अगर ऑफिस है तो ऑफिस क्षेत्र का एक फोटो आगे से और एक नीचे जमीन की, ये चाहिए। ऑफिस नहीं है, ये चाहे ऑफिस हो, दुकान हो, जहां आप बैठ के, या कोई ठीहा हो या काउंटर हो, उस जगह का आपको पूरा डिटेल चाहिए। ये सब नहीं, आप डोर टू डोर जाते हैं तो आप अपने हाथ का और फेस का फोटो भेजेंगे, नाम गोत्र लिए। हम बताएंगे किस कारण आपको ये बाधा हो रही है, उसका निवारण भी बताएंगे। लेकिन ये जो मैं बताऊंगा, ये इसका चार्ज रहेगा, नहीं तो ऐसे बोल दूंगा ना तो कम से कम 3-4 हज़ार लोग भेज देंगे जिसका कोई भी काम नहीं, खाली खाली पलंग पे लेटे हैं, लाओ भेज दूं, मजा लूं गुरुजी से, क्या बताते हैं, ऐसे भी लोग भेजते हैं। तो इसलिए पेड है, ठीक है। तो जो लोग इसको दिखवाना चाहते, हमारा गूगल पे नंबर है 8-7-2-6-1-5-3-9, ये गूगल पे फोन पे दोनों है, और पेटीएम है 8-7-2-6-1-5-3-9-0-3। इन पर आप अनुदान राशि 1100 रुपये अनुदान राशि ये आप भेज कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8-7-2-6-1-5-3-9-0-3 पर अपनी डिटेल भेज दीजिए। हम 40 मिनट बाद, चूंकि इसमें मेहनत लगती है, देखना पड़ता है, 40 मिनट का समय, 40 मिनट से 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है, मैं देखकर आपको बता दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही चमत्कारी चीज है, जो लोग मेरे पास आना चाहें, यहां आकर दिखवाना चाहें, उनका भी स्वागत है, वो भी आ सकते हैं, उनका भी देखा जा सकता है। तो ये कारण होता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। चूंकि अभी हम आपको बताएं, शनिवार को पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर क्रिंग लिखकर दो लौंग रखकर अपने बिजनेस स्थान पर टांग दो, वो मुरझा गया तो तंत्र किया है, खिल गया तो देव दोष है, फट गया तो नकारात्मक ऊर्जा, ये बेकूफी वाली बातें हैं, ऐसे नहीं पता चलता है। ऊर्जा का लेवल देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। जो लोग देखना चाहे वो मेरे यहां ऑफिस आ सकते हैं, मजा आएगा जब आप और हम साथ बैठेंगे, आप खुद देखेंगे, जब मैं करूंगा, देखूंगा, आंकूंगा, परखूंगा, आप खुद देखेंगे, आपके नजरों के सामने हम दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।